छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास गरीबों को देने की गारंटी मोदी की गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी मानी गई थी। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो रायपुर में अभी तक 18,000 से 9,000 आवास लोगों को दे दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा सूचना मिली है कि 11,000 आवास और गरीबों को मिलने वाले हैं, जिसके लिए कुछ क्राइटेरियस रखे गए हैं, जैसे कि एएसपी और बीएलसी, जिसमें एएसपी के तहत उन लोगों को आवास मिलेगा जो प्रदेश से ही माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरे जगह आए हैं, और बीएलसी के तहत उन लोगों को आवास मिलेगा जिनके पास पहले से ही मकान है और उनकी मरम्मत कराई जाएगी, पक्के मकान बनवाए जाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं और लॉटरी के माध्यम से नामों को चयन किया जा रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री आवास के लिए हम लोग ये करते हैं, आवेदन देना पड़ता है। आवेदन में उनको 100 रुपये का फीस जमा करना पड़ता है। उसमें क्राइटेरिया है, आपको उसमें क्राइटेरिया है आता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं, या यहाँ पे मान लीजिए किरायानामा वगैरह आपके पास है नहीं, 2015 से पहले का होना चाहिए। राशन कार्ड मान लीजिए आपका क्राइटेरिया कैसे आता है, 3 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए। अभी जो AHP में हम लोग दे रहे, दो तरीके से हम लोग देते हैं, AHP और BLC बोलते हैं। AHP मतलब जो शहर में आए हैं बाहर से, जैसे माइग्रेशन करके आए हैं ये इसी स्टेट की, और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको AHP में देते हैं, या कोई स्लम बस्ती वगैरह शिफ्ट करते हैं तो हम लोग AHP में देते हैं। दूसरा BLC, आपके पास जगह है, खुद का जगह है, उसको अगर आप डेवलप करना चाहें तो BLC में हम लोग देते हैं। उसमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग भुगतान करते हैं। तो जो AHP वाला मकान है वो बना बनाया बिल्डिंग है, वो अच्छा बिल्डिंग रहता है, उसमें आपको, उसमें मान लीजिए कोई स्लम से कोई शिफ्टिंग होता है तो उसको बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। उसमें लगभग 375,000 ही उसको देना पड़ता है। और कोई किराए में अगर जैसे कि कोई किराएदार है और घर लेना चाहता है उसको ये करना, तो उसको 3,75,000 में पड़ता है। और उसका पूरा प्रोसेस होता है, मान लीजिए आपके आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करेंगे आपके, उसके बाद वो लॉटरी होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन लॉटरी होता है, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में उसको अलॉट किया जाता है। अभी तो क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, और घर जितने बने हैं कम हैं, और तो उसी हिसाब से हम लोग लॉटरी में चयन करते हैं कौन पात्र कौन नहीं है। पात्रता परीक्षण करने के बाद हम लोग अलॉट कराते हैं। तो हम लोग 8,900 के आसपास हम लोग घर आवंटन कर चुके हैं अभी, और नया अभी प्रपोजल भारत सरकार को जाएगा, उसके तहत जितना भी DPR सैंक्शन होगा तो उसी हिसाब से लगभग और 11,000 का यहाँ पे बनने का है। आवेदन वगैरह आते रहते हैं, वो और 11,000 नया बनेगा, उसमें हम लोग अलॉट कराएंगे। हाँ, ऐसे कुछ जो BSUP में जो पहले बहुत पहले बने हैं, 2009-2011 में बनी हुई है BSUP में, टाइम टू टाइम ही आते हैं, तो हम लोग संधारण कार्य के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, और संधारण मद में राज्य से उसके लिए पैसा भी आता है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।